जीएस सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, पारासराय, धोंदी, लहरपुर रोड, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। डी फार्म, बी फार्म, पीजी डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लोगों को एक स्वस्थ जीवन दे रहा है। इस वर्ष नवम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को महोत्सव के रूप में मनाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस एवं हर घर आंगल सप्ताह के सफल आयोजन के लिए मंगलवार को डीएम अनुज सिंह ने अधिकारियों संग बैठक की और तैयारियों को लेकर आवश्यक निर्देश दिए। इस वर्ष उत्तर प्रदेश के हर घर में प्राचीन अभ्यास को ले जाने के उद्देश्य से हर घर आंगल योग नामक थीम रखी गई है। कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि हर घर आंगन सप्ताह के आयोजन के लिए पहले से ही माहौल बना लिया जाए और इसमें स्वयं सहायता समूहों का भी सहयोग लिया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि योग दिवस और हर घर आंगन सप्ताह के लिए प्रशिक्षण अभी से दिया जा रहा है ताकि ये आयोजन सफल हो सके। प्रशिक्षण के लिए ऐसे लोग शामिल किए जाएं जिनको योग कराने में रुचि हो और योग सीखना चाहते हो। जिलाधिकारी ने माइक्रो प्लान बनाने का भी सुझाव दिया और कहा कि जो भी योग करा रहे हैं उनका एक प्रभारी नियुक्त हो, योग दिवस की फोटो वेबसाइट एवं आयुष कवच पर अपलोड की जाए। डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वाइब्रेट प्रोटोकॉल का अनुपालन अवश्य करें। डीएम ने योग दिवस से पहले शहर के सभी पार्कों की सफाई और पानी की उचित व्यवस्था कराने के निर्देश अधिशासी अधिकारी नगर पालिका सीतापुर वैभव त्रिपाठी को दिए। शहर के ध्यानचंद स्टेडियम, सरोजनी वाटिका, महावीर उद्यान, वैदेही वाटिका, डॉक्टर बीआर अंबेडकर सहित अन्य पार्कों के अलावा लालबाग पार्क में भी योग दिवस का आयोजन कराने को कहा। इससे संबंधित एक बैनर लगवाने के लिए भी निर्देशित किया। योग दिवस के दिन आयोजन स्थल पर नशा सेवन के प्रति जागरूकता लाए जाने के लिए निर्देश भी दिए। डीएम ने कहा कि नव युवकों को नशा मुक्ति के प्रति सजग किया जाए ताकि उनमें नशे की लत ना पड़ने पाए। जिलाधिकारी ने DIOS राजेंद्र सिंह को निर्देश दिया कि सभी विद्यालयों में बच्चों को योग करने हेतु प्रेरित करते हुए बृहद स्तर पर योग कराया जाए। बैठक में CDO अक्षत वर्मा, DDO हरिश्चंद्र प्रजापति, DPRO मनोज कुमार, क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी डॉक्टर सुरेश कुमार सजान सहित अधिकारी व स्वयं सहायता समूह के प्रतिनिधि मौजूद रहे। बता दें चले कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा में इसकी पहल से की, जिसके बाद 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस प्रस्ताव को पूर्ण बहुमत से पारित किया था। बता दें कि कुल 193 सदस्य देशों में से 177 सदस्य देशों ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को रूप में मनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।